दोस्तों, फेस्टिव सीजन तो बस आने ही वाला है। दुर्गा पूजा, दिवाली या क्रिसमस, त्योहार चाहे कोई भी हो, रोशनी के बिना अधूरा है। तो इस फेस्टिव सीजन में आप भी कोई ना कोई कैंडल होल्डर, हैंगिंग लाइट, पेंडेंट लाइट, लैंटर्न, ये सब खरीदने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे पैसे खर्च करके कुछ खरीदने के बजाय क्यों ना अपने हाथों से ही कुछ क्रिएट किया जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज मैं अपने इस वीडियो में क्ले से एक बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल सा कैंडल होल्डर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और बता दूं दोस्तों, ये जो मैंने माँ दुर्गा फैब्रिक पेंटिंग बनाई है, इसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले हम लेंगे एक स्ट्रेट ग्लास। आपके पास कोई भी स्ट्रेट ग्लास हो, स्टील का, प्लास्टिक का, आप ले सकते हैं। मैं कांच का ग्लास ले रही हूँ। तो पहले हम फॉइल पेपर से इस ग्लास को पूरी तरह से कवर कर देंगे। बेस को जितना हो सके फ्लैट रखिए, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फॉइल पेपर काट रही हूँ। क्ले वर्क करने से पहले हमेशा एक प्लास्टिक को बेस पे अटैच कर लें, इससे क्ले वर्क करने में आसानी होती है और आपका टेबल या फ्लोर जो भी बेस हो वो खराब नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में मैं यूज कर रही हूँ फेविक्रिल ब्रांड का मोल्डेड क्ले। ये छोटा वाला पैक 20 रुपीज का आता है और अगर आपको ज्यादा क्ले वर्क करना है तो आप बड़ा पैक भी ले सकते हैं। क्ले की सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। मोल्डेड क्ले जो है जल्दी सूख जाता है, 30 से 40 मिनट्स के अंदर ये हार्ड होने लगता है। तो कभी कभी मैं आधा क्ले निकाल कर अपना काम कर लेती हूँ और बाकी आधा बाद में मिक्स करके फिर काम करती हूँ। तो पहले हमें क्ले से इस ग्लास का एक बेस बनाना है, इसीलिए हम क्ले को फ्लैट करके एक बड़ा सर्कल बना लेंगे। फिर ग्लास के ऊपर उसे रख के अच्छे से फिक्स कर देंगे। साइड से सिर्फ आधे सेंटीमीटर के करीब क्ले को रहने देंगे और एक्स्ट्रा क्ले काट देंगे। फिर एजेस को स्मूथ कर देंगे। अब ग्लास को साइड में रख देंगे और क्ले को रोल करते हुए कुछ थ्रेड्स बना लेंगे। अब इन दोनों क्ले थ्रेड्स को आपस में ट्विस्ट कर देंगे और ग्लास के ऊपर राउंड करके इस तरह से लगा देंगे। वीडियो के लेफ्ट साइड में जो ये आप कारपेट या रग देख रहे हैं, ये मैंने जूट की रस्सी और पुरानी साड़ी से बनाया है। आप चाहे तो ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस ट्विस्टेड लाइन को बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे और भी क्ले के थ्रेड्स बनाएंगे और इस तरह से इन्हें अटैच कर देंगे। अब देखिए, ये हमारा मेन कैंडल होल्डर का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके ऊपर मैं फ्लावर्स, लीव्स, बटरफ्लाइज, ये सब शेप्स काट के लगाऊंगी। कुछ मैंने पहले ही चिपका लिए हैं और कुछ अभी क्ले कटर से काट कर दिखाती हूँ और फिर चिपकाती हूँ। यहाँ मैंने ये डिफरेंट शेप्स के क्ले कटर्स यूज किए हैं, इनकी मदद से हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और शेप्स भी परफेक्ट बनेंगे। वीडियो में जो भी चीजें दिखा रही हूँ, इन सब को खरीदने के ऑनलाइन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको खरीदना हो तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अब मैं दो बटरफ्लाइज भी कट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी वे में हम ये छोटे छोटे रोज भी बना सकते हैं। और 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, 24 घंटे बाद ये पूरी तरह से सूख कर हार्ड हो गया है। अब हमें बहुत ध्यान से धीरे धीरे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा के इस ग्लास को इसमें से निकालना है। फिर फॉइल पेपर को भी पूरी तरह से निकाल देंगे। अगर बेस में थोड़ा सा फॉइल पेपर बच जाए तो कोई बात नहीं। और ये देखिए, हमारा क्ले कैंडल होल्डर कैसा लग रहा है। अब हम इसे अपने मनपसंद कलर से पेंट कर सकते हैं। कलरिंग का प्रोसेस मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है, इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स तो बिल्कुल सिंपल है। जहाँ आपको ज़रूरत हो कलर के दो कोड्स लगा दीजिए, जैसे लाइट कलर्स पर
येलो पिंक वगैरह और पर्पल रेड, इन कलर्स में दो कोट की ज़रूरत नहीं है, ये एक कोट्स में ही अच्छे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्ले आर्ट की सारी जानकारी देते हुए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, इसमें तरह तरह के क्ले टूल्स, कटर्स, उनके प्राइस, उन्हें प्रिजर्व करने का तरीका, क्ले प्रोजेक्ट्स को कलर करना, सुखाना, वार्निश करना और सभी चीज़ों के ऑनलाइन खरीदने के लिंक्स, सब कुछ मैंने वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलरिंग कंप्लीट कर दी है और अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो 24 घंटे के लिए इसे सूखा लेती हूँ, एक कोट वार्निश का स्प्रे कर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा क्ले कैंडल होल्डर बिल्कुल रेडी है और अब लाइट्स ऑफ और ये गया कैंडल। मैंने एक बैटरी ऑपरेटेड फ्लिकर कैंडल को इसमें रखा है। आप इस तरह के कैंडल होल्डर्स क्राफ्ट शॉप या तो होम डेकोर स्टोर्स में बेशक खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने हाथों से क्रिएट किए हुए किसी भी चीज़ की बात ही अलग होती है, उसका कभी भी मोल नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।